ट्रैफिक में फंसे लग रहे हो? हेलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ कि नमस्ते। हेलो, हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, हमारा क्या है ना, चुटकुल्ले बनाने की फैक्ट्री है। कौन बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ, हम लोग क्या है ना, व्हाट्सएप पर जो आते हैं ना आपको मैसेज, वो अच्छा? हम बनाते हैं। जैसे अब सर्दी जा रही है, अच्छा, ऑलमोस्ट जा चुकी है, गर्मी आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है, अच्छा, तो मतलब तो तेल हाँ, चुटकुले वगैरह बनाने की कंपनी है क्या मेरे कंपनी को? का बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो, अच्छा जी, जो दिल में आए हाँ, उसे तुरंत बक दो। बक दो, स्वेटर धो के पेटी में रख दो अगले साल के लिए, है ना। अब और एक सुनिए, और एक सुना भाई, सुना सुना। कागज, कागज है ना, नुक्ता लग जरूरी, कागज कलम दवात ला दे, अच्छा हल्की गर्मी लग रही है, एक पे पंखा चला दे बढ़िया लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना है भाई? एक सेकेंड रुको, उसके प्यार की आखिरी निशानी को दीवार पे सजा दे, अच्छा गर्मी आने वाली है, पानी की बोतल फ्रिज में लगा दे आप हंस रहे, एक और सुनिए इसी बात पे। नहीं नहीं भाई, बहुत है, मैं एक इतना बोलना सेकेंड, नहीं होता। एक अरे सेकेंड, नहीं भाई, जब नहीं, भी इतना बोल जिंदगी के भाई। में, सॉरी एक लास्ट, जब भी जिंदगी में तुझे कुछ भी गलत लगे तो बड़ों की सलाह ले, अच्छा खाली मत बैठ, छत से उतार के कूलर खिड़की पे लगा ले इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, बट फिर भी आप हंस के ये सपोर्ट। तू ये ये क्या गलत बोल रहे हैं आप, गलत क्या के सुबह सुबह तू फोन करके करने के लिए फोन लगाया आपको तूने? क्या लेन मतलब देन, आप नहीं बात करनी मत करो, कर, एक काम कर, अब मैं तुझे एक चुटकुला सुनाता हूँ, सोचता सुनना बेटा। बता। कागज को बत्ती बना ले हाँ और डाल ले, कागज को बत्ती बना ले और डाल ले, गर्मी आ गई है और आधी बाजू से टी शर्ट निकाल ले। निकल मजा आया? भाई साहब, थोड़ा बीच मजा में आया थोड़ा ना? घटियापन था, लेकिन मजा आ गया एंड में। घटिया मतलब पन तू भी तो घटिया ही है, मार मार के कबूतर बना दूंगा। 93.5 FM बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। क्या बात है, हेलो, अच्छी कॉलर ट्यून रखी भाई साहब। कौन? मैं बउआ। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था नमस्ते, नमस्ते। किसके मैं बउआ बोले अंकिल जी, क्या हालचाल रख रहे हो आजकल? हालचाल भाई, क्या क्या कह रहा था, बात, एक भाई साहब को मैंने अपराध करने से बचाया है, पूछो कैसे। कैसे भाई, किसको क्या अपराध करने से बचाया तूने भाई, वो ये बता। अपनी पत्नी को गहने दिलाना चाहता था बैंक लूट कर। अच्छा मैंने कहा तू बेगैरत, तू बैंक लूटेगा, नहीं, तू नीरव मोदी हो गया, तू बैंक लूटेगा। नीरव मोदी बदला तुम? फिर मैंने उसको एक तरीका बताया, अच्छा क्या बताया? मैंने कहा अगर तुझे सचमुच घर पे गहना ले जाना है बीवी के लिए, हाँ, तो तू कुछ ऐसा काम कर जिससे लोग तुझे धड़ के पीट दें, डर के पीट दें। क्योंकि जब वो पिटाएगा अच्छा तो मुंह फट जाएगा, लाल वाल हो जाएगा, हाँ मुंह लाल हो जाएगा तो फिर अपने एरिया में पहुंचेगा, हाँ वहां मुंह छुपाएगा लोगों से। क्यों क्यों मुंह छुपाएगा? क्योंकि उसको उसको वो आ रही होती है, क्या आ रही होती है, पोटी आ रही होती है। पोटी पोटी नहीं, सडम सडम आ रही होती है। शर्म आ रही होती है? हाँ नहीं आ रही क्या शर्म? सुनो, तो जैसे वो मुंह छुपा के एरिया में जा रहा है, मुंह लाल है, छुप रहा है क्योंकि उसको सडम आ रही है, और घर जैसे पहुंचेगा हाँ वो सडम उतार के सामने रख देगा बीवी के। क्यों? क्यों? क्योंकि सडम ही औरत का गहना होती है भाई साहब। अच्छा हाँ, ये तो है भाई, ये तो है, सही बात कह रहा तूने। गहना मिल गया है ना। हाँ खुद को, सही है सही है, अब सूझा नहीं बताओ खुद कुछ कहना है इस पे, कैसे लगी आपको बातचीत? तो है सबसे बड़ा चू, ठीक है तो बात है, अच्छी बात है तो क्या बात है, कहाँ से दिक्कत हो ऐसी बात है? गलत क्यों बोल रहे हैं आप? आप इतने स्मार्ट नहीं हो तो आपको जलन हो रही भाई साहब। हमें तो को क्या जलन मत करी, गलत नहीं बर्दाश्त करूंगा, फोन में रेड बटन है, उसको दबा के फोन काट सकता है तू। तू सामने मिलेगा तो क्या कर लेगा तू? मैं तेरा बना दूंगा मैं तू। बता रहा हूँ, मेरे को अगर सामने मिलेगा ना तो घर पे बहुत गहने आएंगे तेरे को। क्यों? क्योंकि तू पिटाएगा फिर तेरे को सडम आएगी, और सडम ही गहने गहने भाई साहब क्या कहने हैं, सडम ही गहने। आप हंस दिए, बात खत्म, नमस्कार, थैंक। नमस्कार। अच्छा आदमी था, ज्यादा चीची नहीं बोला, बट कोशिश कर रहा था, बट ठीक है, दैट्स ऑल राइट। हमेशा चीची थोड़ी सुनना, बउआ वालों की नमस्ते। हेलो, हेलो, लगता है सो रहे हो। हाँ कौन बोल रहा है? मैं बउआ अंकिल, नमस्ते, सॉरी डिस्टर्ब किया।
पर जब समाज की बात होती है, हेलो, हाँ, देश की बात होती है, हेलो, हाँ, बोलो, सेहत की बात होती है, हेलो, अरे हेलो सॉरी, तब मुझे ये सैक्रिफाइस और ये कोशिश करनी पड़ती है कि मैं लोगों से बात करूं। क्या बात करनी है? देश में दांत के प्रॉब्लम से बड़े लोग परेशान, दांत, टीथ, टूथ, व्हाटएवर यू कॉल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई साहब, है ना, सबको, हर घर में दो तीन लोग को दांत का प्रॉब्लम, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है। वाह, क्या बात है, इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है कि नहीं? बिल्कुल है। एक सेकंड, नहीं, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाथ है। पूछो कैसे? बताओ कैसे? उन्होंने नोट छापे हैं किसके? 10 रुपए के, 100 रुपए के, 500 के, 2000 के, है ना, जबकि उनको छापना चाहिए था 9 रुपए के, 99 रुपए के, 1999 के। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, 10 रुपए दे के अगर हम 9 रुपए का कुछ लेते हैं तो वो 1 रुपए की टॉफी दे देता है। उस टॉफी के चक्कर में हमारे दांत खराब हो जाता है। बताओ कौन जिम्मेदार है? 9 रुपए का नोट आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है। अभी मैं बात करता हूँ मोदी जी को, फोन करता हूँ, तो फोन रख, ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूँ। हाँ, क्या? जो लोगों का लीवर खराब हो रहा है। हाँ, लीवर कैसे खराब होता है? लीवर दारू वारू पीने से होता है। वो टोल वालों की वजह से खराब हो रहा है। पूछो कैसे? कैसे? कई जगह मैंने टोल वालों को देखा है, 50 रुपया देकर अगर 45 रुपए का टोल कटाओ तो 5 रुपए की नमकीन दे देते हैं। दारू लेनी पड़ेगी, नमकीन। अब अगला क्या करिए कि नहीं भाई साहब? सुबह सुबह गलत काम, आप गलत बोलेंगे तो फोन पटक दिया जाएगा आपके मुंह पे। गलत बकवास कर रहा, बकवास नहीं, बर्दाश्त होगी आपसे। गलत आदमी, गंदा बोल रहा है। 93.5 FM बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो, बैरागी जी फोन लग गए, संपर्क हो भाई साहब। हेलो, हेलो, मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी, जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं, जहाँ पर समाज को, सांस फूल गई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी हम कहते हैं समाज को आईने दिखाई अपना जो कर्तव्य निभाई। बोल रहे हो, बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते हैं, बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ, तो आपने मेरे को कैसे ले लिया बिना? एक सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब, दुनिया के भला तो करो एक मिनट में। वुमेन्स, एक सेकंड, बस खत्म हो जाएगा, अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलो, वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों, मुझे क्या पता, वही इसी पे चर्चा, यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे बचाई? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने, शराब पीने से। अरे ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता है साले, किडनी सुनकर खराब हो जाती है। चलिए मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई, तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी, पूरा संपूर्ण। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी खराब हो जाएगी। खत्म, बस, गलत नहीं बैठा जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब, साथी तेरी में। इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4:15 में, 4:15 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली। एक बार वापस, 2 रुपए का, किसकी आवाज की आवाज निकालने वाली? संकरी टिटोलिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी, 93.5 एफएम बजाते रहो, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते सर। हेलो, आवाज कट गई। हेलो, हेलो, कौन सुन भाई? मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। हेलो, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा, छोड़िए। अरे कौन बोल रहा है, क्या? कोई नहीं, कोई नहीं, बात करने लायक तो है ही नहीं, अब रहने दीजिए, रखता हूँ मैं। हेलो, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, रहने देते हैं, जान देते हैं। अरे कौन बोल रहा है यार, किससे बात करनी है? नहीं नहीं नहीं, लेट हो गए हम, ऐसा लग रहा है। अरे किसी के लेट हो गए, किससे बात, क्या नहीं, बोल रहा है यार, क्या? कोई बात नहीं जी, चलिए, थैंक यू, रहने दीजिए। हेलो, हेलो, मुझे नहीं लगता अब कोई गुंजाइश बची है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है यार, क्या किसी की गुंजाइश बची है यार? शायद हम लेट, ढंग से शायद हम लेट हो चुके हैं। अरे किसी के लिए लेट हो गया यार, बताओ ना यार, कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, क्या छोड़ दीजिए यार, अगर अगली बार फोन कर दिया
वही मैं कह रहा हूँ। हेलो, होने का चांस बचा ही नहीं अब, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे तू क्या है, फोन कर रहा है, क्या होने का चांस बचा है बताएगा मुझे? सारा फोन कर रहा है, दिमाग खराब कर रखा है। आप गंदा गाली क्यों दे रहे भाई साहब, क्या हो गया? गाली क्या है? मारा फोन करके बेकार की बात ये है, बचा नहीं, क्या है नहीं बचाया? मैं ये कह रहा था, मैं नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। है हमारा ना एक्चुअली योगा क्लासेस होता है भाई साहब, जहाँ पर जब इंसान गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, जैसे आप हो रहे हो, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। है? ऐसे भेजेगा योगा नहीं, योगा क्लासेस है? मतलब बार बार फोन करके गुस्सा दिला रहा है, योगा क्लासेस ले लो। आप गुस्सा हो रहे हो, मैं दिला रहा हूँ छोटी छोटी, एक बार में छोटी छोटी बात फोन कर लिया है यही साबित, क्योंकि एक सेकंड अगर मैं आपको फोन करके कहता भाई साहब आपको क्या गुस्सा आता है, क्या आप चिढ़ते हो, क्या आप योगा करोगे, तब आप बोलते नहीं नहीं करूंगा। इसलिए मैंने साबित किया कि आपको बात छोटी बात पे गुस्सा आता है। तेरी तोड़ दो, दिमाग मत खराब कर, चल फोन रख। करना चाहिए आपको योगा, आप काबू से भाग, कुछ नहीं बचा, अब चला खत्म हो चुकी है बात, खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब खत्म है। 93.5 बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन नमस्ते? नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल बोल रहा है, बता चुका हूँ, मैं आपसे एक मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक दो चीजें नहीं बदली हैं, एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूं? गलत बोल रहे हैं, मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा यार, मेरे मैसेज से क्या? मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूँ, कौन सा रखूँ जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली, ये रखूँ डिलीट कर दूँ? कौन बोल रहा? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की ना हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है? डिलीट कर या कुछ कर दूं, हमें भी एक और सुनो, ये वाला सुनो, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मंगल मैं हूँ आपका होली का त्योहार, ये रखूं डिलीट करूं? हाँ ये रख ले, राधे राधे। ओ वाह, वेरी गुड, धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना अंदर से। हाँ बोल। ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। एक सुनो ये देखो, ये बहुत लंबा आया है, लाल गुलाबी रंग है झूम रहा है संसार, हेलो, सूरज की किरण खुशियों की बहार। हाँ क्या है आगे, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। नहीं अभी तो और है, लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, पिचकारी की धार, गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। एक सेकंड, ना मिले सब्जी तो खाए अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक देखो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखू डिलीट करूँ? लंबा सा है, इसे तो पक्का अपने बाल ले मेरे काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है, बताओ इसको? अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुई, गुलशन को क्या बोल रही, इसमें गुलशन का क्या लीजिएगा? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है, कब कौन है गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली पे भी आया था, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है, यही राखी पे भी आया था, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी, और तू बस गलत बोल रहा है, आप बात करता है चीची बोलता है 93.5 नमस्ते बजाते रहो। हेलो, आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है आपसे? एक मिनट चाहिए था भाई साहब, एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो प्रेशर है, अच्छा इसने कभी किसी की मदद की है?
भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है, तुम्हें काम क्या है काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ प्रेशर से भला हुआ है, एक एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे पहले काम बताओ काम क्या है। एक सेकेंड, आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना एक बार एग्जाम लिखने गया, सुन लो, एग्जाम देने के लिए गया। हाँ सुन लो पूरा, मेरे को पता हो गया। एक सेकेंड। हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ, दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई के। अच्छा। पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहाँ से वापस बाहर आया, फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है बड़ा सा घंटा, घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी, उसका भी प्रेशर उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। एक सेकेंड मुझे नहीं, एक सेकेंड, फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा। उसका और प्रेशर, दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरे कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है, दूध। हाँ प्रेशर में। अब सुनो यार क्या, एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आपको, अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन जैसे मलाई, लस्सी, छाछ, छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे नंबर आए, ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है, दूध कहाँ है, तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था, अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ, हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर, भाई साहब है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा परिसर बढ़ रहा है, तो क्या करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ, मेरा भी इतना परिसर बढ़ रहा है। नहीं आऊंगा भी वहाँ पे, खत्म। गलत बोल रहे, फोन काट दिया। 93.5 FM बजाते रहो, एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। छोटी होली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं बेटा। शुभकामनाएं बेटा, खुद तो कभी किसी का कामना है दे रहे हैं शुभकामनाएं। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, कहते हैं छोटी होली। हाँ जी। क्या छोटा बड़ा भाई, हमें बचपन से सिखाया गया कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और यहाँ आपने त्योहार कोई छोटा बड़ा बना दिया। छोटी होली बड़ी होली से कितनी छोटी है भाई साहब? क्या एज में छोटी है, क्या साइज में छोटी है, क्या लंबाई में छोटी है? हेलो हेलो। औकात में छोटी है, विचार से छोटी है, हरकतों से छोटी है, चरित्र कैरेक्टर से छोटी है। हेलो। हाँ जी। तो हूँ करोगे हाँ जी के पापा, पता चले फोन है कि नहीं है? शब्दों से छोटी है, दिल से छोटी है, सोच से छोटी है, दिमाग से छोटी है, किस चीज से छोटी है? छोटी है छोटी होली छोटी होती है। गलत क्यों बोल रही हो फिर? तुझे नहीं पता है? मुझे पता है, मुझे पता है, बताऊं? हाँ। खजूर से छोटी है। पागल है क्या, खजूर से छोटी कैसे हो गई? खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। तो डेट से छोटी है, जैसे आज डेट है छोटी है, एक दिन पहले आ गई, कल बड़ी होली है तो कल बड़ी होली, तो डेट से। तो तू मेरा क्यों दिमाग काट रहा है, जब तुझे पता है तो। इसीलिए यही समझाने के लिए कि भाई साहब बुरा ना मानो होली है ना भाई साहब, काटे बुरा ना मानो होली है ना। गलत आज भी। 93.5 FM बहुआ बोलो, बजाते रहो कि नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी बेदी जी है ना जो आपके फेसबुक पर कॉमन फ्रेंड है अविनाश जी के? हाँ जी। हाँ जी। वहीं से नंबर मिला है, एजेंसी से बात कर रहा था जी मैं। नमस्ते, एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ वो एजेंसी है ना वहाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है ना, हमारा मार्केटिंग का पूरा काम है। हाँ, आप भी सोशल मीडिया पे अच्छा फॉलो करते हैं? हाँ जी। तो मीडिया चैनल से भी कोई रिश्ता है या फिर क्या है? नहीं ऐसे ही कर लेते थोड़ा बहुत, आप बताइए क्या हुआ था। नहीं जैसे अभी श्रीदेवी जी का हुआ ना। हाँ हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, गलत हुआ। तो आप सब कुछ डाल रहे सोशल मीडिया, मतलब हर चीज कि कब उनको क्या डेट हुआ, वो बाथ टब वाला भी, उनका बॉडी वहाँ से आ गया, मीडिया वाले दौड़ रहे हैं, ये सब कुछ आप क्लिक कर करके डाल रहे हैं। तो आपको आपको काम चाहिए तो बता दीजिए। नहीं तो मीडिया में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब ये जानना चाहिए। हाँ है, मेरा चैलेंज में एक दो, मतलब कि एक दो से बातचीत भी, और मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ कभी भी। आप बताइए आपका क्या काम है। मेरा काम ये देखो ऐसा ना, हमारा मार्केटिंग का है।
ओके, तो हम क्या करते हैं ना, चीजों को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि लोगों तक और फैले। अच्छा, तो जैसे श्रीदेवी जी का हुआ आपने देखा, तो वैसे ही ना कॉमन आदमी के लिए हम कर रहे हैं। कॉमन आदमी के लिए जैसे सपोज इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई सपोज चला है, ओ, ओ, मेरे पे क्यों जा रहा तू है? मेरी फैमिली में क्यों जा रहा है? मेरी फैमिली में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल अपने पे ले सकता है? चलो अपने का ले लेता हूँ, इसमें एग्जाम्पल ही लेना। तो सपोज मेरी मम्मी मर जाए। हेलो, नहीं आप दुखी मत हो ना, अपने पे लेना ना एग्जाम्पल, मैं अपने पे ले लेता हूँ। सपोज मेरी मम्मी चली जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि उनका ना बचपन से लेके जब तक बड़ी हुई वो सारा फोटो ले लेंगे, और वो सारा फोटो के पीछे ना गाना बना देंगे गिटार विटार लेके कि मम्मी मेरी बड़ी निराली, उनसे घर पे थी खुशहाली, पापा को देती चाय की प्याली, बदमाशी पे देती थी गाली, मेरी मम्मी बड़ी निराली। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन लो। तो ऐसे उनका एक वीडियो बना देंगे, वो वीडियो पूरे मोहल्ले में व्हाट्सएप पे डाल देंगे, और क्या ना 3-4 दिन तक रखेंगे उनको, फटाफट जलाएंगे नहीं, क्योंकि जलना तो है ही ना, देखो मोहल्ले को पता तो चलेगी कुछ ऐसा है। फिर क्या, बर्फ़ की सिल्ली पे उनको हॉस्पिटल वगैरह में रखा है, वहीं पे पापा को ले जाएंगे, और उनके बगल में खड़ा करके पापा से पूछेंगे, फेसबुक लाइव जा सकते हैं पापा के साथ, कि पापा एक बात बताइए कैसा लग रहा है मम्मी के जाने के बाद, 3 दिन हो गए आपने खाना वाना नहीं खाया। फिर पापा वहाँ बोलेंगे, लोगों का कमेंट आएगा, थोड़ा इमोशनल माहौल बनेगा। इसका भी वीडियो काट के हम लोग, हेलो है, सुन रहे हैं, तो उसका भी वीडियो काट के हम लोग डाल देंगे। और फिर सपोज अगर देखेंगे मम्मी की डेथ हुई कैसे, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ भाई, आप पे नहीं, आपको बुरा लगा, राइट? हेलो, हेलो, हाँ, तो क्या हुआ, सपोज मम्मी सीढ़ी से गिर के खत्म हो गई सपोज, तो क्या करेंगे ना, या तो एनिमेशन कर लो, एडिटर वगैरह मिल जाते हैं 10-10 हज़ार में यार, या फिर आप थर्माकोल का बना लो, या फिर अगर फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो असली बॉडी ले लो और सीढ़ी से 4-5 बार गिराते हुए ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे गिरी, ऐसे गिर के हुई मौत, ऐसे गिर गई, सर पे लगा, ऐसे, तो क्या होगा, और लोग थोड़े से इमोशनल होंगे। और फिर इसका भी वीडियो बना के सेम ग्रुप पे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो, तो क्या ना, नॉर्मल आदमी मरता है तो कौन आता है भाई साहब, तो ऐसा सब करने से क्या होगा ना, लोग जमा होंगे और 500,000 लोग पूछेंगे भाई साहब क्या हो गया माता जी को, तो क्या लंबा थोड़ा खींचेगा और तब कुछ मजा आएगा भाई साहब मरने पे, वरना क्या मरा कोई है कि नहीं। तो आप लोग जैसे फोटो लोगे, जैसे अभी भी ले रहे हो श्रीदेवी जी का, ऐसे इनका भी फोटो लोगे, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये ऐसे गिरी, नहीं है, तो ऐसा किसी भी, किसकी भी फैमिली का कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मैंने अपना लिया है, राइट? तो अगर पूरा पैकेज है, अगर चाहिए तो हम प्लान कर सकते हैं, बताओ, बहुत फील आ जाएगी भाई साहब, माहौल ऐसा बनेगा गमगीन। नहीं नहीं, क्या नहीं, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, अरे कैसे कोई बात नहीं, ठीक है पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाकी आप लोग भी 93.5 FM बजाते रहो, मैं बउआ बोले अंकिल नमस्ते, फोन काट दिया। हेलो भैया जी, नमस्ते। कौन? कौन, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, आप, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया तू? गलत बोल रहे, चीची बोल रहे, कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे, आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो 10 गाड़ियां हैं, थप्पड़ मारूं ऐसे? सर सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में, मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी की बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, पता, इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों, तेरी हो सकती है गर्लफ्रेंड? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती, गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है, हाँ या ना? हाँ। अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दो तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस। बॉस पीता है? बॉस उसका स्पीकर होता है पगले, सॉरी आवाज से तो औकात नहीं उतना स्पीकर का, क्या? हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना?
हाँ तीसरे सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं फैलाओ। एक सेकंड सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर अच्छा। आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर भी ना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो अभी ज्ञान की बात सुन, यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहे अच्छे से बेवकूफ। तू बता तेरे को इंग्लिश आई ना? कार है ना गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ, बजाते रहो।